वेलकम गाइस, न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। चेक इन, टेम्परेचर, थैंक यू, वी आर ऑल गुड। चेक इन करेंगे हम लोग यहाँ पे। वेलकम टू मैरियट गाइस, मैरियट गोवा मैरियट रिजॉर्ट एंड स्पा इसका नाम है। आई थिंक बड़ा अच्छी लोकेशन है और इन्होंने हमें ना उसमें भी अपग्रेड कर दिया है, बे व्यू रूम्स विद बालकनी। तो चलो आपको टूर कराते हैं होटल का एज वेल एज रूम्स का। एज़्योर पता नहीं क्या है, रेस्टोरेंट आई थिंक, आई डोंट नो। तो अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट में रूम्स की तरफ। चलो भाई चलो, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट लग रहा है। तू पूछ 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 क्यों कर रही है, पूछ 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 पूछ। Nice, look at the view. कितना बढ़िया ना, एक पूल है यहाँ पे। अभी तो पूल लिखा है पूल क्लोज, आई थिंक इट्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 7:15 है। ओके, रूम इसके थ्रू है। लिफ्ट में जाइए। लेवल वन पे है रूम्स, लॉबी, फ्रंट डेस्क, कैसीनो, इंटरनेट स्टेशन, ये सब लेवल वन पे। फिटनेस सेंटर के रूम लेवल टू पे रूम्स हैं। आओ टू एट जीरो एंड 286। चलो आओ अंदर देखें रूम कैसा है। नारा कुछ भी अंदर सबसे पहले लाइट जलाओ, भी लाइट जलाओ। चलो अब आपको रूम टूर कराते हैं गाइस। चलो गाइस आपको एक्चुअली दूसरे रूम का टूर कराते हैं क्योंकि वहाँ तो थोड़ी सी भीड़ हो गई है। तो दिस इज़ टू क्वीन और यहाँ पे मिलेगा आपको एक बालकनी सामने विद बे व्यू, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सामने निकल के एकदम से आपको बे मिलेगा, ठीक है। वाओ, लुक एट द व्यू। और एक बालकनी है यहाँ पे, बैठ सकते हो आप। और व्हाट एन अमेजिंग व्यू गाइस। सुबह सुबह 7:15 हमें रूम भी दे दिया इन्होंने, सो हेल्पफुल पीपल एंड सो अमेजिंग व्यू। आपको बीच का व्यू है पूरा का पूरा, नाइस। चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर है रूम और सामने है एक बाथरूम जो कि आर पार दिखता है। तो कीशा अंदर नहाने कैसे करोगे, शेड है। I'm sure एक बटन होगा बीच में। अच्छा वो है ना ऊपर, ब्लाइंड है ऊपर, यहाँ पर वाली ब्लाइंड है, नीचे कर लो। अच्छा आपने अब बाथरूम तो देख ही लिया वैसे, तो फिर एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको अंदर चल के। यहाँ पर है बाथरूम, बाथटब, सिंक है, पॉट है, एक स्टैंडिंग शॉवर है। नाइस, लाइक इट, सही है। फिर इसके अंदर किसी और का रूम है कीजिए, वो बंद होता है वो। वो अगर ऐसा होता ना दो फैमिली आसपास ले लो ऐसा वाला रूम होता है, वो बुकड होगा ना ऑलरेडी, तो मैं दे देते। चलो 7:30 हम लोग पहुँच गए रूम पे। सो गई कीशा तो थक गई ना बेचारी, 12 घंटे ट्रेन में बैठ के थक गई बेचारी। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं सब लोग और बड़ा अच्छा व्यू एंड मौसम वगैरह अच्छा हो रहा है। गर्मी हो रही है बैंगलोर में, तो थोड़ी सी ठंडक सी हो गई थी बारिश की वजह से, पर यहाँ तो थोड़ी सी गर्माहट सी है। ब्रेकफास्ट के टाइमिंग 7 से 11 बोल रहा था और अभी बजे हैं 8:30, तो देखते हैं। सिंपली ग्रिल्स, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने। वाटर फ्रंट टेरेस एंड बार। हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, हमें स्पेशल अलग से बिठा रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोग हैं, शेपलेस दो। या ओके, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है डोसा काउंटर, तो आई बिलीव यहाँ पे डोसा एंड इडली वगैरह होंगे। लेट्स सी,
हलवा, दिस इज मूंग दाल हलवा, लेमन राइस और डोसा है ऑफ कोर्स, सांभर, मेदू वड़ा और भी है सामान, मिक्स पकौड़ा, राइस, चिकन, पेरी पेरी सॉसेज हैं और चिकन सीजन है, वो लोकल तो यहाँ पे शायद अभी ओके पराठा काउंटर है, राइस ये तो मैं बहुत ज़रूर खाने वाला हूँ, आलू पराठा, गोभी पराठा, मसाला ओट्स, दलिया, उपमा, भाजी पाव, अमेजिंग ओके और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, यहाँ है फ्रूट्स, जूसेस है, फ्रूट्स है, कस्टर्ड और योगर्ट, मैंगो योगर्ट, ऑरेंज योगर्ट, म्यूसली, सीरियल्स है, काफ़ी सामान है और पॉर्क है, सलामे है, चीज़ वगैरह भी है, काफ़ी यम्मी यम्मी मुँह में पानी आ रहा है, ऑफ कोर्स डेजर्ट, चॉकलेट, चेरी डैनिश, मफिन्स, एप्पल, एप्पल क्रम्बल मफिन, चॉकलेट मफिन, क्रिसेंट और बेटर कर सकते हो आप, डोनट्स हैं और नाइस, मज़ा आने वाला है बहुत। इस साइड आई थिंक जूसेस है, बिलीव इस साइड तो पानी है बाहर बस। तो नेक्स्ट आपको मिलेगा पैनकेक एंड वॉफल काउंटर, पैनकेक वॉफल अगर खाने हो तो ये लोग लेना शुरू कर दिया इन्होंने ऑलरेडी। हम अंदर बैठ रहे बाहर बैठ रहे, अंदर ही अंदर बैठ रहे होगा ठीक है। और एक लास्ट में दो काउंटर्स और हैं, वो देखिए आपने क्या है, एशियन एंड कॉन्टिनेंटल। अच्छा जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएगा सॉटेड मशरूम एंड कॉर्न्स, बेग वेजिटेबल्स, बेग बीन्स, पॉरिज, जैसे पोटेटोज, रोस्टेड पोटेटोज, ग्रीन टोमेटोज, एग्स और बेकन एंड सॉसेजेस ठीक है। चलो कुछ खाना शुरू करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है मुझे तो। हमारी टेबल रेडी है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ इडली मेदू वड़ा पकौड़े से, साथ में मैंगो योगर्ट एंड कोल्ड कॉफ़ी, और एक मसाला डोसा मैंने ऑर्डर कर दिया अपने लिए, पर इसके बाद अभी और खाएंगे हम लोग, आलू पराठा खाने का प्लान है मेरा एज यूजुअल, आपको पता ही होगा। ए इडली खा रही है कार्टून, इडली इडली खा रही है, कल कल खुद कल कल काफ़ी खा लिया है बुआ, पेट भर गया, पर पराठा तो ज़रूर खाऊंगा, पराठा खाए बिना तो नहीं जाऊँगा। तो फाइनल वाली मील में मैं लाया हूँ आलू पराठा विद मसाला ओट्स एंड पाव भाजी। अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खा नहीं पाया क्योंकि बहुत सारा होता है ना बफे में। प्ले सम राज कपूर सॉन्ग, माई फादर इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ राज कपूर। आई हैव यू प्लेड है अपना दिल तो आवारा, ओके गाओ गाओ आधा गाना Yeah.
शिल्पा पी रही है करेले का जूस। शिल्पा पी के दिखाए करेले का जूस कैसा है, स्मेल कैसी है करेले की है, कुकम्बर की, कुकम्बर का समझ के पी लो आप, करेला एंड कुकम्बर है। ओके ओके, करेला तो खाती नहीं है मुझसे शिल्पा, जूस देखते हैं कैसा है। अगर शिल्पा को बोलो शिल्पा किसी तुम्हारी ब्यूटी अच्छी होगी तो पी लोगी, शिल्पा अगर किसी तुम्हारी ब्यूटी अच्छी होगी तो पी लोगी, नहीं जहर जहर है कि प्यार है करेले का जूस, मैंने पी रहा, थैंक यू वेरी मच। क्या सीखा फिर शिल्पा, क्या सीखा, अच्छी अच्छी लाइन है तुम्हारे हाथ में, अच्छा मैं बना दूंगा चक्कू से बना दूंगा ऊपर, डोंट वरी। मेरा चलो हम जा रहे, हम जा रहे तेरे को छोड़ के, बाय मेरे, बाय हम जा रहे, बाय वापस आ रही है, कभी नहीं आती, बाय चली गई भाई, अगले में जाना पड़ेगा उसको। किस में गया इसका गुस्सा, सबका मिला के इसमें ना, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों आता है नायरा को, है क्यों आता है, चलो चलो निकलो, यहाँ चलेंगे आगे सारे, उधर नहीं जाना। और सब गाइस हम लोग रूम पे पहुँचे, थोड़ा सा आराम आराम किया हमने, थक गए थे ट्रेन जर्नी में, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो सब लोग अब जाके आराम करके आई थिंक डेढ़ घंटे के करीब, एक घंटा सो के तैयार होके आप लोग जा रहे हैं बीच पे, बिल्कुल ही बीच के ऊपर है ये वाला रिजॉर्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही नीचे ही है बीच, मतलब पास में ही है वॉकिंग है, तो बीच पे जा रहे हैं, फिर स्विमिंग पूल में जाएंगे, फिर नहाए नहा धो के फिर देखते हैं क्या करेंगे। ऑलराइट, तो ये है बीच, बिल्कुल ही रिजॉर्ट के नीचे है, मतलब ये आपका रिजॉर्ट है और यही ऊपर के है बीच, तो यहाँ पर बस उस तरफ जा रहे हैं, जो पीछे की तरफ जहाँ एरिया है ना, जहाँ भीड़ दिख रही है आपको, उस तरफ जा रहे हैं बीच पे। ईशा जूते में मिट्टी चली गई क्या, दिखाओ, अरे ओ नो, ओ नो, ये तो बहुत सारी मिट्टी चली गई, गर्म मिट्टी है, धूप हो रही है, ओके डेंजर स्ट्रॉन्ग करंट नो स्विम जोन, तभी कोई पानी भी नहीं गया यहाँ पे, तभी सब बाहर बाहर है, हमें उसने बोला होटल वाले ने कि दूर जाके आप जा सकते हो पानी के अंदर, इधर मत जाना ये कह रहा है, और कह रहा है थोड़ा वॉच आउट यहाँ पे जली फिश भी हो सकती है। ओके भाई, तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सेफ लग रहा है, यहाँ पे थोड़े से लोग अंदर हैं पानी के अंदर, तो हम भी यहीं चलते हैं। नायरा नायरा क्या कर ले हो, नायरा शेल्स ले रहे हो क्या, ये क्या करोगे, ये क्या है बताओ, ये क्या है, क्या ये नायरा बताओ, चलो फिर गोवा के पानी में चला जाए, अंदर गीला हुआ जाए, और मैं फिर से यहाँ तक दिखाऊंगा, नीचे करके दिखाऊंगा आपको। किशा किशा क्या हुआ, क्यों चिल्लाई थी किशा, एक्शन रिप्ले मैं मिस कर गया वीडियो में, यस किशा चिल्लाई फिर से, यस मम्मी को लेके जा रहे हैं, मम्मी आपने पता है जिसका हाथ पकड़ा हुआ है, मम्मी जिसका हाथ पकड़ा है ना आपने, ये वाली ये खुद डरती है, सीता गीता, अच्छा नाला की नाला, ए नायरा को गीला कर दो, नमक का पानी तो होगा ही, सी में खड़ी हो आप, नमकीन कैसे मम्मी, नमक का पानी कैसा लग रहा है, गोवा 7 साल बाद आया हूँ मैं अभी, और आई थिंक लास्ट आए थे अपने हनीमून पे 2015 में, तो 2015 के बाद 2022 में अब आए हम लोग 7 साल बाद, थोड़ा बहुत बदल गया गोवा भी ना, गोवा में एक दो हाईवेज बन गए हैं जो कि पहले नहीं थे, विच इज़ गुड, बाकी एज यूजुअल ट्रैफिक कम है, फ्रेंडली लोग हैं, तो अच्छा लगा मुझे। चलो चलो भाई, पापा ने तो शुरुआत कर दी है, और कौन कौन बैठ रहे पानी में, बैठ जाओ, चलो मम्मी बैठ गई तो फिर उठाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी को,
मेरे भी मुंह में चला गया पानी, नमकीन है बहुत। नारा ए कातून, नारा कातून। अरे यहाँ पे नाम तो लिख लो, वो था ना जैसे हार्ट बना के लिखते हैं सब लोग नए नए आते हैं। शिल्पा का शिल्पा लिख रही हो अभी भी? हार्ट बना के नाम लिख लो। हाँ यार हार्ट बना के लिख दो। आर और ऐसी लिखोगी? ओ ओ हार्ट टूट गया बीच में, शिट। बहुत बड़े प्यार करती है ना मेरे से, देखा आपने? ये देखो देख रही हो इतना बड़ा हार्ट बना रही है शिल्पा। ये कैसा हो गया बीच में, वी शेप आ गया हार्ट का, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया हार्ट, कोई बात नहीं। अब शिल्पा सोची कि हम इसमें किस किस का नाम लिखें। अच्छा पहले हमेशा ऐसे ही आता है, पहले हमेशा ऐसे ही आता है, हार्ट नहीं आता कभी पहले। मम्मी सही है। अच्छा हार्ट के अंदर भी हार्ट। ओ भाई साहब क्रिएटिविटी। ओ ओए शिल्पा नार्सिसिस्ट, सो नार्सिसिस्ट एंड आर, छोटा सा लिख देगी देखना। ओए होए सब सबको बता दो मेरा नाम, सबको बता दो, कोई दुनिया में आएंगे ना कहेंगे ये रजत कौन है? देखना मम्मी जबरदस्ती लिखवा रही है पापा से। स्पेलिंग मिस्टेक, ओ ओ मम्मी ठीक कर रही है बाबा, एक तो जबरदस्ती लिखवाएंगे तो ऐसे ही होगा। मम्मी ने डंडे पे पापा। चलो एक बार पूल की तैयारी कर ले, अब हम जा रहे हैं पूल में शावर लेके। शिल्पा डूब तो नहीं जाएगी? 4 फीट में के आगे ज्यादा तो नहीं होगा ना, आई थिंक सारा ही 4 फीट है। सारे 4 फीट है यस। नाइस, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ बाहर चल रहे थे पैर, गर्मी थी बहुत, गर्मी है थोड़ी ना गोवा में। यहाँ पे बाहर है इनका, यहाँ से बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं आप। सही है टाइम 1:48। भाभी की भी ड्रिंक आ गई, कीशा की करीबी डिलाइट, यम्मी है। क्या फ्लेवर है? टेस्टी है। एक सेकंड, चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डर लग रहा है भाई, नायरा को तो डर लग रहा है। मुंह पे बड़ी लाइव, शिट मिस कर गया मैं। किशा मेरी फोटो खींच दो भाई। मम्मी भी स्विमिंग कर रही है क्या? अरे वो था ना जो मेले में जो बॉटल के ऊपर डालते हैं हम लोग, शिल्पा के ऊपर डाल रहे हैं। भाभी फिर से डालो, फिर से डालो, दूर से डालो, दूर से मेले में डालने के वो मिलते हैं ना। ऑलमोस्ट क्या गेम खेल रहे हैं हम लोग भी, गोवा में आ गए ये खेल रहे हैं। इनका रिक्रिएशन रूम चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, बीच में मिल गया रास्ते पे। कितनी सारी खेलने की चीज़ें, अगर आप खेल रहे हो तो फिर से कैरम, कैरम नहीं खेलूँगा अब मैं, शिल्पा का फेवरेट। और ये वही वाला गेम जो हमने उस दिन खेला था दंदीज रिजॉर्ट में, और एयर हॉकी और पूल टेबल है अंदर। आई थिंक मैंने पूल टेबल देखी, यस पूल टेबल सही है। एसी लगा हुआ है बड़ा, इनके पास जिम भी है और क्या किड्स प्ले रूम भी है। कैसीनो, कैसीनो चेकआउट करें, कैसीनो कार्निवल। आई एम श्योर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होगी कैसीनो कार्निवल। चलो फिर बंद करते रिकॉर्डिंग। तो अभी तो गए नहीं हम लोग अंदर क्योंकि ड्रेस कोड भी होता है और ड्रेस कोड तो अभी है नहीं मेरा हमारा, तो बाद में कभी आएंगे तो देखते हैं कैसीनो। अब चलते हैं घर पे रूम पे मतलब, और थोड़ा सा नहाएंगे धोएंगे, नहाए भी नहीं बहुत टाइम से, ट्रेन में आए थे राइट। अच्छा तो शिल्पा पूछ रही है कि किसकी चप्पल बेटर है, शिल्पा की या भाभी की? लाउंज में जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स और फिर लंच भी काइंड ऑफ हमें कुछ खाया नहीं एग्जैक्टली, पानी में थोड़ा स्विमिंग पूल में, और इसमें काफ़ी काफ़ी भीड़ हुई है, काफ़ी लोग आए हैं स्विमिंग पूल पर, दिखाता हूँ मैं।
लाउंज भी दिखाता हूँ, लाउंज कैसे यहाँ पे। इवनिंग सनसेट का टाइम है और काफी लोग आ गए अब तो पूल पे। वाह 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 वाह, क्या एंट्री है ये सबकी, क्या बात है, सब लोग तैयार हो गया है। मम्मी को देखो, मम्मी भी लाई है नई नई ड्रेस गोवा पहनने के लिए। चल ओके, यहाँ से है लाउंज। यहाँ बैठेंगे थोड़ा सा, थोड़ी देर खाएंगे पियेंगे और देखते हैं क्या है। थोड़े बहुत ऑप्शन भी यहाँ पे, चिली, बेजल, चिकन, वेजिटेबल, फलाफल, पीते पाना को भी था तो। और फ्रूट्स, सम ब्रेड्स, मैक्रोनी पास्ता, आई डोंट नो, मीठा भी है। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी आवर्स, आई थिंक यहाँ पे तो ड्रिंक्स भी ले सकते हैं आप लोग। नाइस, वी जस्ट गेट अ टेबल हियर। अबे मुझे लगा चीज करेगा। चीयर्स, साथ में हम खाएंगे थोड़ा सा फूड। कैसा चुपा, अच्छा चिली चिकन खा लेंगे। मैं लाया हूँ पनीर टिक्का, पनीर टिक्का, मैं पनीर टिक्का खा लूँगा साथ में। कैसे हम पंजी आ गए निकल के वहाँ से, और दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बार यहाँ पे डिनर का प्लान है, तो चलो अंदर चलते हैं। और एक्चुअली आज ना संडे नाइट है, तो कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ी बंद होगी, तो हाँ तो दिख भी रहा है, थोड़ी खुली है, काफ़ी सारी बंद है यहाँ पे। दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट एंड बार, चलो मेन्यू देखा जाए। पंजिम खुल जाओ, खुल जा सिम सिम, ओके। बेवरेजेस हैं यहाँ पर, पापड़ हो गए, स्पेशल प्लेटर 800 रुपये, वेज प्लेटर 1400 रुपये। ये है ना मेन वेज स्टार्टर है तंदूर, हरा भरा कबाब, वेज सीख कबाब, पनीर टिक्का, सही है सही है। आप देखते हैं क्या खाने वाले हैं। दाल ढाबा, तड़का मार्केट और लच्छे पराठा, नहीं लच्छा पराठा राइट, चूर चूर पराठा दिखा रहा हूँ मैं। ओके ओके, क्या बोल रहा हूँ। और ये है हमारा गार्लिक बटर नान विद कढ़ाई पनीर, सीख दिया उसने ये। किशा ने खा लिया अपना आलू परांठा, ठीक है खा लो भाई। क्या बोल रहा हूँ, क्या पीना नहीं है, ये शिकंजी नहीं है पता है ना। यूएस में नहीं मिलता ना, तो शिल्पा को आदत नहीं है। पान खा गया है, पान खाया है फिर टाइम बाद। चलो गाइस अभी हम चल रहे हैं रूम पे, एक कैब करेंगे यहाँ से और ये वाला ब्लॉग बंद करते हैं। अब तो बस जाके सोएंगे और कुछ है नहीं खास। कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में, कल थोड़ा गोवा घूमने का प्लान है और कल देखते हैं, कल थोड़ा सा जाएंगे नॉर्थ गोवा में, थोड़ा सा बीचेस वगैरह पे बैठेंगे, रात को भी जाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय।